उधर समाजवादी पार्टी शासन में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रह चुके प्रमोद बड़ोनिया पर ग्राम सभा की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। अध्यक्ष पद पर रहते हुए इनके द्वारा बेशकीमती जमीनों पर कब्जा किया गया है एवं कई किसानों की पट्टे वाली जमीन पर आज भी कब्जा किए हुए हैं। पेट्रोल पंप, विद्यालय और गैस एजेंसी और अंग्रेजी शराब के मॉडल शॉप होने के बावजूद भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नियति बना ली गई है। मामला है जनपद ललितपुर की महरौनी तहसील के ग्राम सिलावन का, जहां प्रमोद बड़ोनिया द्वारा लगभग 100 एकड़ ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया गया है और तार फेंसिंग कर खेती की जा रही है। साथ ही उसी जमीन पर पक्का निर्माण कर मकान भी बना लिया गया है। रसूखदार होने के नाते किसान भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि दर्जनों किसानों के पट्टे की जमीनों पर कब्जा कर धड़ल्ले से खेती की जा रही है। शिकायतों के आधार पर जांच में इनके ऊपर कलेक्टर द्वारा धारा 24 के अंतर्गत लगभग 42 लाख रुपया प्रतिकर के रूप में हर्जाना लगाया गया है, जो जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई कर वसूला जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मलाई लूटने के बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब प्रमोद बड़ोनिया से इस मामले में पूछा गया तो कोर्ट का निर्णय मानने की वो बात कह रहे हैं। महरौनी के तहसीलदार महोदय ने बिना जांच कराए मुझको एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसका मैंने जवाब उनको दे दिया है। अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मैं अपने साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, जो भी न्यायालय निर्णय देगा वो मुझे। राजस्व संहिता के तहत लोगों ने कार्रवाई की है और इन पर हर्जाना इम्पोज किया गया है। हर्जाना अभी आदेश अभी हाल में किया गया है, हम इसके आगे हम इनसे हर्जाना वसूल करेंगे तथा इनको बेदखल करने की भी कार्रवाई की।